Welcome to Glam and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is very handsome and good-looking actor Harsh Rajput. Hey Harsh, how are you? Welcome to हेलो the हेलो हेलो show. रश्मि, थैंक यू सो मच। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में हैंडसम और गुड लुकिंग इसलिए कहा क्योंकि जो आपके यूएस और कनाडा के जो फैन फॉलोइंग उन्होंने मुझे यही फीडबैक दिया है सबसे ज्यादा, दैट ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी गुड लुकिंग. आई से ओके फाइन, मैं यही बोल के उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी आज. थैंक यू सो मच, माय प्लेजर हैविंग यू ऑन योर शो ग्लैम एंड शाइन। थैंक यू हर्ष फॉर योर टाइम कि आप आए हैं हमारे शो पे. एंड ऑफ कोर्स योर आपका इतना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, तो मैं चाहती थी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. एंड आई रियली वांट यू टू स्टार्ट कि हाउ इट हैपेंड, लाइक हाउ योर इट वाज इट योर चाइल्डहुड इंटरेस्ट टू कम इनटू इंडस्ट्री या इट जस्ट हैपेंड बाय चांस? नो एक्चुअली सच बताओ तो ये मेरी मॉम का ड्रीम था। ओके मेरी मॉम चाहती थी कि उनका बेटा एक्टर बने। सो कहीं ना कहीं यू नो आई वाज आल्सो वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू नो ऑल द कल्चरल एक्टिविटीज, डांसिंग, एक्टिंग, ड्रामेटिक्स। तो मैं स्कूल से ही, बचपन से ही यू नो मैं बहुत ज्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। मैं स्कूल के लिए डांस करता था, स्कूल के लिए ड्रामास में पार्ट लेता था। So it all started from childhood. And in fact, बचपन से ही, you know, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है, मैंने वेस्टर्न डांसिंग सीखी हुई थी, ड्रामा के लिए मैं क्लासेस जाता था। सो बचपन से ये सारी एक्टिविटीज में मैं बहुत आगे था। और माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड कि उनका बेटा एक्टर बने, तो कहीं ना कहीं उनका जो ख्वाब, उनका जो ड्रीम है, वो फिर मेरा ड्रीम हो गया। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो आई वॉज इन नवसारी टिल 10th। पहले मैं अंकलेश्वर में था, अंकलेश्वर के बाद मैं नवसारी आया एंड आई वॉज स्टडिंग इन कॉन्वेंट स्कूल। और नवसारी से 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं मुंबई चला गया। सो फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, जो वहाँ पे जूनियर कॉलेज होती है मुंबई में, सो फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स, जूनियर कॉलेज ऑनवर्ड्स, मैंने मेरी स्टडीज वहीं पे की। और स्टडीज के साथ साथ मैं यू नो मुंबई की कल्चरल एक्टिविटीज में भी पार्ट लेने लगा। आई हैव स्टडीड इन मिठीबाई कॉलेज ऑफ मुंबई। तो मिठीबाई कॉलेज की जो कल्चरल टीम थी, उसका मैं हिस्सा रह चुका हूँ। मैंने एक्टिंग, डांसिंग, फोक ऑर्केस्ट्रा, फोक डांसिंग में पार्ट लिया था वहां पर। एंड आई हैव आल्सो रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर जोनल्स, जो पूरा पूरे इंडिया का जो यूथ फेस्टिवल होता है, जिसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेट करती है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, आई हैव रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर दैट। तो ऐसी कुछ जर्नी थी मुंबई तक की। और मुंबई पहुंचने के बाद एक्चुअली सारा जो खेल है वो शुरू हुआ। मैं क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आते थे जो हमें यू नो सिखाते थे, डायरेक्ट करते थे। विपुल मेहता हो गए, निशिकांत कामत हो गए, तो ये सब बहुत ही बड़े नाम है इंडस्ट्री के, और हमें उनसे गाइडेंस मिलता था। हम उनके अंडर प्लेस करते थे, इप्टा के लिए प्लेस करते थे, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर आर्ट्स के लिए। और ऐसी जर्नी शुरू हुई। दरअसल जो मेरा फर्स्ट शो जो था, जिसका नाम है गायत्री महिमा, ये एक डीडी वन जो इंडिया की जो एक नेशनल चैनल है उस पर आता था, गायत्री महिमा। और उसमें मैं गायत्री परिवार, आई एम श्योर काफी लोग जानते हैं गायत्री परिवार के बारे में, जो बहुत बड़ा श्लोक है, जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये श्लोक का जहाँ से उत्पादन हुआ, जहाँ से ये श्लोक निकला, जो उनके मेन गुरुजी जो है श्री राम शर्मा जी गायत्री परिवार के, उनका कैरेक्टर, बचपन का कैरेक्टर मैंने किया था।
गायत्री महिमा। वेरी नाइस. सो एंड आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड देन। मैं यू नो मैं हबीबा जी के यहाँ, हबीबा रहमान एक बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, जी उनके यहाँ पर मैं डांस सीखने जाता था। तो वहां पर उनके हस्बैंड जो है, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा एक काम कर, तू यहाँ पर चला जा, यहाँ पर एक रोल है, शायद तू फिट हो जाए उसके लिए। जी तो वैसे मैं चला गया था। और उस वक्त यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट 2004, जब यू नो मोबाइल फोन्स इंडिया में उतने आना शुरू नहीं हुए थे, इट इट जी जस्ट केम इन। तो स्ट्रगल बहुत ही, मतलब यू नो आपको एक टेलीफोन बूथ पे जाना पड़ता था, वहां पे कॉइन डाल के फिर आपको कॉल करना पड़ता हाँ था। तो सामने वाला बंदा अगर उठाए तो ठीक है, अगर नहीं उठाया तो फिर वापस वेट करो, 5 मिनट तक वहीं पे खड़े रहो, 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहो, क्योंकि आपके पीछे भी लाइन लगी हुई है और 10 लोग खड़े जिनको कॉल करना। तो यस आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता था। और वहां पे फिर वापस कॉल किया, पहली बार तो उन्होंने नहीं उठाया, दूसरी बार उठाया तो बोला कि हाँ एक काम कर, तू यहाँ पर आ जा, जुहू में एक जगह है। और मैं पहुंचा वहां पर, पहुंचा, और तब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं हुआ करता था मुंबई में, तो आई यूज टू ट्रैवल बाई बस एट दैट टाइम। तो बस में मैं पहुंचा। एंड यू नो अब एक्टर्स का एक यू नो एक परसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि एक्टर्स को यू नो एक एक वो हमेशा गुड लुकिंग होने चाहिए, हमेशा प्रेजेंटेबल होने चाहिए, और हमेशा यू नो दे लुक अप टू देम। पर अब हुआ ये कि क्योंकि मैं बस में ट्रैवल करता था एंड मुंबई हैज गॉट लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी, करेक्ट. तो मैं पूरे पसीने में यू नो बह जाता था। और मैं वहां पे पहुंचा तब तक मेरी हालत टोटली खराब हो चुकी थी। बट उन्होंने उन्होंने वही देखा जो धर्मेश तिवारी डायरेक्टर है, जो अभी लेट डायरेक्टर है, वो अभी नहीं रहे। सो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने सीधा मुझे पूछा कि तू कैसे आया यहाँ पर। मैंने बोला मैं बस से आया हूँ। बोलता है हाँ वो दिख रहा है तेरे चेहरे पर, तेरे कपड़ों से, कि तू बस से आया हुआ है। बट यू नो आई लाइक दिस अबाउट यू कि यू डिडंट लाइक, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर आते हैं और ये यू नो दे शो अप, दे शो लाइक यू नो कि हम बहुत बड़े घर से हैं और हम यू नो कहीं पे बस में ट्रैवल नहीं करते, हमारे पास फैंसी गाड़ियां है। बट आई लाइक दैट ऑनेस्टी अबाउट यू, दैट यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप अपने आप से सच्चे हैं, इफ यू योर सेल्फ आर ट्रू टू योर सेल्फ, देन नथिंग इज गोन यू नो गो अवे फ्रॉम, वॉट एवर इज योर इज गोन कम बैक टू यू। सो दैट्स वॉट ही टोल्ड मी एंड दैट्स वॉट आई ऑल्सो बिलीव इन। And that's when he told me that you are doing this role. So that's how my first role landed, and I got Gayatri Mahima, जो कि DD National पर आता था, and that's how the journey started. वाह, आपके तो फैंस की जो हमारे डैशबोर्ड पे है लाइन लगी हुई है, एंड दे आर लाइक आपकी बहुत बड़ी फैन है. शी इज़ फ्रॉम नवसारी, शी इज़ इन यूएसए, न्यू जर्सी, एंड शी इज़ सेइंग ही इज़ सो क्यूट एंड हैंडसम एंड वेरी हार्ड वर्किंग. Thank you much. बहुत से आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, टू क्यूट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स अबाउट योर करियर एवरीबडी इज रियली इंजॉयिंग इट दैट आप ये सब बता रहे हैं. बिकॉज बहुत सी चीज़ें जो मैं आपसे बात करते हुए फील कर रही हूँ हर्ष की, आपकी आप नवसारी गुजरात से हैं, आपकी हिंदी कितनी करेक्ट। अच्छी है, यू स्पीक सो वेल. एक्चुअली मैं ये जो इसका मैं क्रेडिट जो है, मैं मेरी बचपन में जो मुझे अंकलेश्वर में मेरी पढ़ाई हुई थी उसको देना चाहूंगा, बिकॉज अंकलेश्वर हैज गॉट अ मल्टीलिंगुअल पीपल। तो वहां पर ONGC है और बचपन में ही मैं बचपन से ही हिंदी में बात करता था, मैं स्कूल में जो था हिंदी में बात करता था, और उस वजह से कहीं ना कहीं यू नो मेरी मेरी जो हिंदी है उसमें आपको गुजराती टोन नहीं मिलेगा। या दैट्स व्हाट आई एम सो थिंकिंग कि वो तो मुझे लग नहीं रहा, या क्योंकि सो यहाँ तो बहुत गुजराती फैंस हैं आपके, बहुत सारे, और हमारे अपने भी बहुत जानकार हैं, बिकॉज यू नो न्यूयॉर्क नहीं, पर एंड न्यू मैं उसके जर्सी. साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हूँ एटली सरस गुजराती पण बोलू छू, एवं नहीं कि हूँ गुजराती बोली नहीं सकता हूँ, एटली सारी गुजराती पण बोलू छू, और मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी है, और आई कैन यू नो मेक अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश एज वेल। सो यू नो टच वुड आई वॉज एबल टू डू दैट, क्योंकि सी मैं नवसारी में था तो नवसारी में हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, गुजराती का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट व्हेन आई मूव टू मुंबई आई हैड दिस प्रॉब्लम विद इंग्लिश। इंग्लिश का प्रॉब्लम ये था, ऐसा नहीं है कि यू नो मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता था, मैं कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूँ तो यू नो आई नो हाउ टू मेक अ कॉन्वर्जेशन और हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट आई वॉज लैकिंग कॉन्फिडेंस देयर, लेकिन करते क्योंकि करते आ जाता है.
करेक्ट, कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि आप एक नए शहर में जा रहे हो, नए लोग आपके आजू बाजू है, बट यू नो दैट यू कैन डू इट, बट यू आर स्टिल फाइंडिंग दैट स्पेस टू गेट कंफर्टेबल एंड गेट कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक अ कॉन्वर्जेशन विद समबडी हु यू हैव नेवर मेट. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, सो वो भी एक बहुत बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी थी मेरे लिए जब मैं मुंबई आया. कि इनफैक्ट मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा आपसे. जब मैं जरूर कॉलेज में था तब आई हैड अ क्रश ऑन दिस गर्ल एंड एंड शी ओनली एंड ओनली यूज्ड टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके शी वाज मुंबई, टिपिकल मुंबई गर्ल हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड हैड दिस वेरी हिप्पी स्टाइल, वेरी इमो चिक इफ यू से. सो या सो शी ऑलवेज हैड दिस. She never uttered a word in 3 years, जो मैंने मुझे शायद अभी तक याद भी नहीं है कि वो शायद एकाध भी हिंदी का शब्द बोली होगी तब. तो अब दोस्त और सारे दोस्तों को पता था कि हर्ष इज क्रशिंग बिग टाइम ऑन दिस गर्ल, और उन्होंने मुझे धक्का मार के भेज भी दिया उसके सामने, उस लड़की के सामने. और मैं सामने जाके सीधा ऐसे खड़ा हो गया और आई हैड नथिंग टू से बिकॉज choose to do don't know yeah, tell me what do you want to say, you want to say something to me, okay, say it right away on my face, tell me. And I go all blank, I go all blank. मैं अभी क्या बोलूं क्या बोलूं, because see मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर हाँ सकता, जी, मैं बात हाँ कर सकता था बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट इनफ टू. करेक्ट मैं एक बार चलो मैंने हाई भी बोल दिया, हेलो बोल दिया, आई एम गुड बोल दिया, बट आगे कॉन्वर्सेशन आई वुडंट बी एबल टू होल्ड इट. करेक्ट मैं ऐसे उल्टा घूमा और भाग गया वहां से. एंड शी वॉज ये क्या मतलब, व्हाट क्या हुआ गया इसको, ये क्यों आया था. बट टू टेल यू आफ्टर सम इयर्स आई मेट हर, लाइक आफ्टर कपल ऑफ इयर्स आई मेट हर एंड आई टोल्ड हर दैट आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन यू ओके एंड एंड आई स्पोक टू हर इन इंग्लिश एट दैट टाइम ऑल्सो. सो यस आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. वाह, सो देखिए लैंग्वेज का भी कितना महत्व है, वी शुड लर्न ऑल द लैंग्वेजेस. दे जो हर्ष बताना चाहते हैं, सब लैंग्वेज आनी चाहिए, कभी भी काम पड़ सकता है. सो बट हाँ हाँ जी मेरा एज एन एक्टर ये बहुत नेसेसरी भी है. मतलब जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं या फिर जो भी ये चाहते हैं कि वो कुछ आगे करे लाइफ में, तो लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिकॉज कमांड ऑन लैंग्वेज जो है वो आपको आपकी दुनिया जिता सकता है. आई फील दैट. absolutely right, but you have achieved everything and we are so proud of you, Harsh. तो आपने जैसे बताया कि I wouldn't agree on that I have achieved everything. I'm still working hard. I still have goals in my life and I want to every day learn a new thing and go ahead in my life, because art एक ऐसी चीज है, मेरा ऐसा मानना है कि वो कभी भी आप पूरी नहीं सीख सकते. आप यू सीखते कैन नेवर रहेंगे, लर्न. बिल्कुल. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, एज इज जस्ट अ नंबर, चाहे आप जितने भी आगे आ जाओ, बट देयर इज अ लॉट टू लर्न एंड यू नीड टू हैव दैट करेक्ट हर्ष टू बिकम बेटर एंड बेटर. ऑफ कोर्स आई टोटली अग्री विद दैट. सो हर्ष, जब आपने करेक्ट. सीरियल किया था, उसके बाद फिर आपका कैसे आगे जर्नी चलती रही, प्लीज आप बताइए. बिकॉज और सबसे पहले, अच्छा वो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के बहुत से कॉल्स भी आने लग गए. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर आई, बट वील टॉक अबाउट दैट. व्यूअर्स डोंट वरी, वील डेफिनेटली डिस्कस अबाउट दैट टू. हाँ जी, तो आप ये बताइए, सीरियल्स का कैसा आपका दौर चला फिर, फर्स्ट सीरियल के बाद? फर्स्ट शो जो हुआ वो मैं 11th स्टैंडर्ड में था, गायत्री महिमा, वो हो गया. उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज. मैं कॉलेज भी करता था साथ में, और साथ में कॉलेज के लिए ड्रामा जो कल्चरल एक्टिविटीज वो तो करता ही करता था. बट उसके साथ आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, क्योंकि एक नया शहर है और ना ही कोई ना दूर दूर से कोई भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो मेरी फैमिली में बिलोंग करता है या मेरी फैमिली से है. सो इट वॉज ऑल अ न्यू, इट वॉज टोटली अ न्यू प्ले ग्राउंड फॉर मी. मतलब मैं कोई मेरे पूरे खानदान में मैं पहला बंदा हूँ जो मुंबई जाके फिल्म इंडस्ट्री में काम करने गया हूँ. तो करेक्ट सो इट्स अ टोटल नॉन इंडस्ट्री बैकग्राउंड. करेक्ट. सो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक एक इंसान के लिए, जहां पर जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है.
आप एक ऐसे अनजान शहर में हो जहां पर आप ना तो किसी को जानते हो और ना ही जिसके लिए आप गए हो, जिस काम के लिए गए हो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं। मेरा ऐसा मानना था कि कहीं ना कहीं इट प्लेड वेरी वेल फॉर मी, क्योंकि आई वॉज रॉ, आई वॉज टोटली अ ब्लैंक स्लेट, एंड इफ देट इज अ ब्लैंक स्लेट देन ओनली यू कैन राइट थिंग्स ऑन इट। वेरी ट्रू. सो मैं वहां से फिर ऑडिशंस देने मैंने शुरू कर दिए। आई गॉट दिस शो कॉल्ड एज क्या मुझसे दोस्ती करोगे, विच यूज टू एयर ऑन हंगामा चैनल। हंगामा चैनल करके एक चैनल था इंडिया में, जी उस पे एक शो आता था क्या मुझसे दोस्ती करोगे। आई जी डिड दैट व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, करेक्ट, सेकेंड ईयर जेसी, सेकेंड ईयर जूनियर कॉलेज। उसके बाद मैं कॉलेज के लिए ही करता रहा डांसिंग, क्योंकि दैट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी है, तो पढ़ाई भी करनी है, साथ में ये भी करना है। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मेरा जो FY था वो पूरा एक्चुअली मुंबई यूनिवर्सिटी में ही निकल गया, वेर आई रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड गोइंग आउट, आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, और देन पृथ्वीराज चौहान क्रैक्ड। पृथ्वीराज चौहान स्टार प्लस पे आता था, जो अभी फिलहाल भारत में ऑन एयर है, इंडिया में ऑन एयर हो रहा है। पृथ्वीराज चौहान का बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है एक्चुअली। पृथ्वीराज चौहान, मैं और मेरा एक फ्रेंड है मेहुल, जो जो खुद पृथ्वीराज चौहान में थे, हु यूज्ड टू प्ले संजम एंड आई यूज्ड टू प्ले फुंडी। तो हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, और कैंटीन में बैठ के, कॉलेज की कैंटीन, मिठीबाई कॉलेज की कैंटीन में बैठ के हम ऐसे ही कुछ तो बात कर रहे थे, एंड आई गेट दिस कॉल, तब मोबाइल मैंने ले लिया था, तो आई गेट दिस कॉल कि एक ऑडिशन है, आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे उस ऑडिशन के लिए। मैंने बोला कि क्या है, व्हाट इज द रोल अबाउट, और क्या क्या आगे, मतलब कितना लंबा है कैरेक्टर। सो दे लाइक कि पृथ्वीराज चौहान करके एक शो आता है, तब तक शो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुका था, स्टार प्लस पे आने लगा। बोला हाँ हाँ मैं जानता हूँ इस शो के बारे में। तो जी देवर टेकिंग अ लीव, देवर टेकिंग 10 ईयर लीव। सो मैं बोला हाँ ठीक है चलो। उन्होंने बोला कि 15 दिन का काम है, और आप 15 दिन शूट करेंगे आउट ऑफ मुंबई, और वहां पर जाकर शूट करना होगा, और 15 दिन में आप वापस आ जाए। नाउ अब उस वक्त क्या था कि मैं कॉलेज में था, और आप जब कॉलेज में होते हो तो आपके बहुत ज्यादा अलग अलग दिमाग दौड़ने लगते हैं कि अच्छा ओके, मैं 15 दिन के लिए काम करूंगा तो मुझे कितने पैसे आएंगे, और कितने पैसों को मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगा यहाँ पर, एंड दैट विल हेल्प मी टू ग्रूम माई सेल्फ, और मैं ऐसे करके कैलकुलेशन मेरी शुरू हो गए। हाँ हाउ कॉलेज डेज आर। सो वैसे मेरी कैलकुलेशन शुरू हो गई कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, एंड मेरा जो दोस्त था मेहुल, वो मुझे देखने लगा कि अरे ये क्या, तू क्या बात कर रहा है, खुद से क्या बात करने लगा है। सो आई लाइक अरे ऐसे मुझे कॉल आया है, सो व्हाई डोंट यू ऑल्सो कम विथ मी। सो आई टोल्ड हिम कि चल तू भी चल मेरे साथ। या हम दोनों गए ऑडिशन के लिए, वी बोथ गॉट सिलेक्टेड, एंड द रोल विच वॉज फॉर 15 डेज गॉट एक्सटेंडेड टू 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। क्या बात है, वाओ, फैंटास्टिक वी फैंटास्टिक. शॉट फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स इन बड़ौदा सागर फिल्म सिटी। तो हम लोग वहीं पे रहते थे, वहीं पे शूट करते थे। आई हैड टू शिफ्ट माई रेगुलर क्लासेस ऑफ माई कॉलेज टू डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था, तो अटेंडेंस वगैरह का इश्यू था, एंड देन अगेन मैं टाइम नहीं दे पा रहा था पढ़ाई को इतना। सो आई 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 पिक द डिस्टेंस एजुकेशन, और मैं फिर सीधा एग्जाम्स के लिए अपियर करता था मुंबई यूनिवर्सिटी में। सो पृथ्वीराज चौहान वैसे निकला, और पृथ्वीराज जब मैं कर रहा था, सो द मेकर्स लव माई वर्क अ लॉट, और वो कहते हैं ना कि एक काम आप ऐसा करो जिससे आपको दूसरा काम मिलता है, बिल्कुल. तो वैसा ही कुछ हुआ पृथ्वीराज के दौरान भी, कि पृथ्वीराज मैं कर रहा था, और बिकॉज दे लाइक माई वर्क एंड दे लाइक माई सिंसियरिटी टूवर्ड्स वर्क, बिकॉज पृथ्वीराज वॉज नॉट अ म्यूजिक शो, वो हमेशा हमेशा हम कहीं तो या तो घोड़े पर होते थे या तो तलवारबाजी कर रहे होते हाँ थे। इट वॉज वेरी फिजिकली वेरी डिमांडिंग यस शो, एंड एट द सेम टाइम इट वॉज अ कॉस्ट्यूम ड्रामा। सो नॉर्मल सोशल शो नहीं था जहां पर आप जीन्स और टी शर्ट पहन के काम कर रहे हैं, तो इट गेट्स अ बिट कंफर्टेबल। आप जीन्स और टी शर्ट में होते हो या फिर नॉर्मल क्लोथ्स में होते हो तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, जी बट पृथ्वीराज वॉज अ पीरियड ड्रामा, सो तो उसकी वजह से हमें अलग कॉस्ट्यूम्स मिलते थे, मुकुट रहता था, जैकेट रहते थे, घोड़े रहते थे, तलवार रहते थे। सो दैट सिंसियरिटी एक्चुअली पेड ऑफ, एंड
अगेन आई गॉट वन मोर पीरियड ड्रामा, कॉस्ट्यूम ड्रामा आई कैन से, विच वॉज कॉल्ड धर्मवीर, जो जो कि एनडीटीवी इमेजिन पर आता था, एंड आई आई प्लेड द नेगेटिव लीड इन दैट शो. वाओ, वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? यस, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज यू नो मैंने कभी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले नहीं किया था, और कहीं ना कहीं यू नो मैं कोई भी, मतलब कोई भी इंसान सच बताऊं तो बुरा होता नहीं है, और आपको वो पोर्ट्रे करना है कि आप बुरे हैं. सो इट गेट्स वेरी टफ कि आप अपने एक्चुअल कैरेक्टर को छोड़ के एक दूसरे कैरेक्टर को अपना रहे हैं जो इविल है. बिल्कुल अग्री. सो यू नो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, एंड एट द सेम टाइम इट वाज लॉट ऑफ फन आल्सो, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि यू नो आप अगर कुछ कर रहे हो और उसमें आपको चैलेंज फील नहीं हो रही है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. यू आर यू नो इट्स इट गेट्स वेरी इजी, एंड आई एम नॉट दैट पर्सन हु लाइक्स टू डू इजी थिंग्स. You like taking challenges. या आई लव टेकिंग चैलेंजेस, आई एम ऑलवेज अप फॉर अ चैलेंज. Fantastic. Very nice. Very nice. या सो दैट्स हाउ धर्मवीर हैपेंड. धर्मवीर हुआ उसके बाद यू नो आई शिफ्टेड टू कपल ऑफ फिल्म्स, आई शिफ्टेड टू एड्स. मैंने बहुत सारी एड्स भी की है, यू नो अराउंड 90 कमर्शियल्स आई हैव डन, व्हिच इंक्लूड्स ऑल मेजर ब्रांड्स फ्रॉम नोकिया टू Wow. सैमसंग, केएफसी, पिज्जा हट, बहुत सारी नहीं, यू ढेर नो सारी एड्स करी हैं, ऐसे बोलना चाहिए आपको. मैंने ढेर सारी एड्स करी या अराउंड अराउंड 1992 एड्स, मतलब इंक्लूड, या करेक्ट, अराउंड 1992 एड्स. वेरी नाइस. सो सो अभी दैट 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 हैपेंड. हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, आप सो कंटिन्यू दैट करिए. हैपेंड. आपकी जर्नी से सब कनेक्टेड हो रहा है, आपके व्यूअर्स मैसेजेस भेज रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, एंड सब आपको बहुत प्यार करते हैं. आई शुड से दैट हर्ष. बस ये एक्चुअली ये इनका प्यार ही है जिस वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपके साथ बातें कर पा रहा हूँ, वरना अगर वो प्यार ही नहीं देते तो मैं शायद यहाँ पर बैठा भी नहीं होता. नहीं, फैंस की तो अपनी वैल्यू है. ऑफ कोर्स फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं, एंड यू लव देम, यू वैल्यू देम. सो ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, एंड आई कैन सी दैट यू हैव ग्रेट रिगार्ड्स एंड लव फॉर योर फैंस, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. हाँ जी यस दे आर एवरीथिंग, दे आर एवरीथिंग, मतलब उनके बिना आई डोंट थिंक सो मैं कुछ भी कर पाता. आज आज मैं जो भी हूँ वो उनकी वजह से ही हूँ, और यू नो फैंस आर लाइक लाइफ फॉर एन आर्टिस्ट. सो आई सो हैव लाइक जब Too तक many calls and too many messages, and I think so. I should ask you now because it's very important. वो मैं खुद भी आपसे यही पूछ रही थी, जो कि वो I never expected I will get so many messages and calls for your eyes. Like they are really concerned to know that क्या हर्ष की आंखें सच में ग्रीन मेरी आंखें एक्चुअली स्पेनिश ग्रीन है, बट क्या. आप जो अभी शो में देख रहे हैं वो बेसिकली दावंश का जो कैरेक्टर है, दावंश इज नजर शो में जो दावंश का कैरेक्टर है, विच इज जी लाइक हाफ इविल एंड हाफ ह्यूमन, ओके मतलब okay. हाफ आधा डायन है आधा इंसान है, जी जो कि एक दावंश कहता कहलाता है. जी तो वेनेवर इसकी डिमोनिक जो शक्तियां है, डिमोनिक पावर्स जो है, वो जब इसके एक्टिवेट होते हैं, इसकी आंखें येलो हो जाती है. ओके सो करेक्ट, सो ये जो येलो आंखें जो अभी फिलहाल आप देख रहे हैं वो जी ग्राफिकल यू नो वो ग्राफिक्स है, पर नॉर्मली मेरी आंखें स्पेनिश ग्रीन है, विच हैज शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे एंड ऑल ऑफ. Yeah, so we have one caller, I think. So I will take her call. You can call us again, only one, because she was the one who has called the maximum time. And we promised her we will take her call. या So, श्योर श्योर. yeah, I think so. जैसे कि मैं आपकी फैन फॉलोइंग देख रही हूँ हर्ष, मुझे लगता है आपके साथ एक शो और करना पड़ेगा जिसमें आपके फैंस के साथ आप बात कर सकें. एंड नहीं, वी शुड डू एन इंटरेक्शन विद फैंस. Yes, you need to. We will definitely do part two also. I'll take her call. Yes, you're live with Harsh. You can talk to Harsh. हेलो हाय. Yeah. Yeah. Harsh, you can hear her, हेलो, right? कैन यू हियर यस मी? यस हेलो, यस यू कैन टॉक. हेलो हेलो जी. वो व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका?
हेलो, आई थिंक आई थिंक सो. वी आर मिसिंग. या देयर इज अ सिग्नल प्रॉब्लम मे बी. सो आई थिंक सो द नेक्स्ट शो वील डू विल बी विथ योर कॉल. आई थिंक सो व्हेन शी हैज सीन यू शी हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग. आई थिंक सो एंड वी नीड टू कंटिन्यू विद द जर्नी. सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट सीरियल. नजर के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी. जी. सो उसके बाद बहुत सारे मैंने एड्स किए, बहुत सारे देन आई स्टार्टेड द शो कॉल्ड एज सपने सुहाने लड़कपन के, जो जी पर आता था, वेर आई प्लेड अ मेंटली चैलेंज्ड गाय. उसके बाद आई डिड क्रेजी स्टूपिड इश्क, जहाँ पे अनेरी, अगेन अनेरी और मैं, हम को स्टार्स थे और हमने वो एक शो किया साथ में, सपने सुहाने लड़कपन के. फिर हिटलर दीदी करके एक शो था, वो मैंने किया है, जो कि जी पर आता था. साथ निभाना साथिया करके एक शो है, जो स्टार पर बहुत ही फेमस शो था, वो मैंने किया. आई डिड इट फॉर अ वेरी लिटिल स्पैन, बट देयर वाज अ कैमियो, तो वो किया. उसके बाद नजर केम इन टू माई लाइफ एक्चुअली. सो नजर की जो जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी. एंड आई थिंक आज जो मेरी फैन फॉलोइंग है, आज जो जो इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आई फील नजर की वजह से जुड़े हुए हैं. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि जो नजर नजर हैपेंड बिकॉज इट वॉज हार्ड वर्क ऑफ 15 ईयर्स, ना कि पर्टिकुलर एक ऑडिशन जो कि नजर का था उसके लिए मैं गया एंड इट क्रैक. आई थिंक ये 15 साल की मेहनत थी जिसकी वजह से नजर हैपेंड, एंड नजर हैज एक्चुअली गिवन मी अ लॉट. एंड नजर की वजह से मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा और बहुत सारा प्यार मुझे नजर की वजह से मिला. कमिंग बैक टू नजर, नजर वॉज वन ऑफ अ इट्स वन ऑफ द कल्ट शोज मेड इन इंडिया. एंड इट्स जो कि एक डायन और दावंश पर बेस्ड है, कि एक डायन का जना होता है जिसको आधा इंसान और आधा डायन होता है, जो कि एक दावंश होता है. सो आई प्ले द कैरेक्टर ऑफ दावंश अंश, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आई फील. क्योंकि अब इसमें एक बहुत ही एक मैं वर्ड नहीं एक्चुअली बोल पा रहा हूँ उसके लिए. इट्स वेरी इट्स वेरी, आप आधे इंसान हो और आधे डेविल हो, तो वो प्ले करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए. क्योंकि कुछ सीन्स थे जिसमें जहां पर मैं एक इंसान की तरह जा रहा हूँ और मैं एक डेविल की तरह निकल रहा, मतलब मैं एक डायलॉग में इंसान की तरह अटर कर रहा हूँ और उसी में अंदर डेविल आता है मुझ में और मैं डेविल बन जाता हूँ. सो दैट होल वो जो ग्राफ जो था, दैट वाज वेरी टफ एंड एट द सेम टाइम इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. एंड अगेन इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू ब्रिंग दैट थिंग टू टू जस्टिस, क्योंकि ऐसी नॉर्मली चीज होती नहीं है. ये एक एक फिक्शन है, और ये एक ऐसा फिक्शन है जो आपको सामने वाले को बिलीव करवाना है. सो इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि आप जो अनबिलीवेबल चीजें हैं उसे कन्विक्शन के साथ, जस्टिफिकेशन के साथ सामने वाले को आप पेश करो. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. सो दैट वाज अ टफ चैलेंज. एंड नजर वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी है, एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी. हम बहुत मुझे एक्शन बहुत पसंद है. एक्शन से याद आया, मैं सिंबाद के बारे में मेंशन करना भूल ही गया कि जी मैंने एक शो जरूर. भी किया था जिसका हाँ नाम जी. था सिंबाद. सो एक्शन मुझे बड़ा पसंद है करना. मैं एक्शन बेस्ड शोज हमेशा करना चाहूंगा अगर मुझे मिले तो. हमने बहुत ज्यादा स्टंट्स भी किए थे, आई टू फ्लाई, और एक पॉइंट पर शो में मेरे पास विंग्स भी आ चुकी थी. सो आई वाज एबल टू फ्लाई, आई वाज एबल टू एक्चुअली फ्लाई इन द शो. सो दैट आई वाज अ सीन फन दैट. इट्स एक्सपीरियंस, रियली वेरी नाइस. दैट वाज फन एक्सपीरियंस. बहुत मजा आया था वो शो शूट करते हुए. एंड इतना सारा, ढेर सारा प्यार मिला मुझे. इनफैक्ट वी वन द बेस्ट थ्रिलर अवार्ड फॉर द शो. आई या सो आईटीए का जो अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, टेलीविजन अवार्ड है, उसका वो अवार्ड हमें मिला है फॉर द बेस्ट शो. कंग्रेट्स. सो यस, दैट्स वाह. आई एम ग्रेटफुल कि इतनी सारी कामयाबी मुझे मिली शो से, कहीं ना बिल्कुल. कहीं वो सब फैंस की वजह से. और एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आई फील इसमें जो मेरा बैकबोन या जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स थे. क्योंकि क्या होता है कि आप 15 साल से किसी एक चीज के पीछे लगे हुए हो, आप मुंबई पहुंचे हैं. अब गुजराती फैमिली पहले तो अग्री करना कि
कोई आप ऐसी फील्ड में जाए जहां पे आपका आपका कोई ना कोई लेना देना है। सो आई वुड आई वुड वॉन्ट टू थैंक माई पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड, मेरा भाई जो हु ऑलवेज बिलीव इन मी कि ये अगर मुंबई गया है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। एंड 15 ईयर स्पैन इज अ वेरी लॉन्ग स्पैन, उसमें आप काफी बड़े बड़े लोग मेरे, इनफैक्ट मैंने जब जर्नी शुरू की थी तब मेरे साथ काफी सारे जो एक्टर्स थे जो बीच में छोड़कर चले गए, ऐसे काफी सारे थे जो अपने घर वापस लौट गए, मैं अकेला वहां पर रहा। और मैं इसी वजह से रह पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ था, एंड आई हैड दिस स्ट्रॉन्ग पिलर विच वॉज गाइडिंग फोर्स विच वॉज ऑलवेज विथ मी एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी, माई होल सपोर्ट सिस्टम आई वुड से दैट विच वॉज माई पेरेंट्स, इस वजह से मैं आज जो भी हूँ मैं यहाँ पर हूँ। That is so nice, and I really enjoy that when actors share their journey. और मैंने देखा है कि जिनके भी फैमिली सपोर्ट जिन्हें मिलता है उनकी जर्नी आसान हो जाती है. ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो है, बट एक आपकी जर्नी बिकम्स मोर इजियर ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल पीरियड. हमारे गुजराती में ना एक कहावत है, मतलब एक कि घर नो हारे लो दुनिया ना जीती शक, जी मतलब जो घर में हारा हुआ है वो दुनिया नहीं जीत जी सकती। सकता. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली आई टोटली अग्री विद दैट हर्ष, एंड इट्स अ लवली मैसेज. हर पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के ड्रीम्स जो अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें अगर आप उनका साथ दें तो इट बिकम्स मोर इजियर एंड दे कैन गिव यू द बेस्ट. जैसे कि हर्ष इज सच अ सक्सेसफुल एक्टर बिकॉज ऑफ हिज फैमिली सपोर्ट, एंड यू डिड सो करेक्ट। वेल. इट्स ग्रेट. सो व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हर्ष? सी देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स इन पाइपलाइन एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ, द COVID-19 सिचुएशन व्हिच इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीथिंग, एवरी प्रोडक्शन इज बीन स्टॉप्ड एंड देयर इज नथिंग व्हिच इज वर्किंग राइट नाउ। सो वंस द थिंग्स गेट अ बिट क्लियर और वंस थिंग्स स्टार्ट्स रोलिंग, आई विल बी एबल टू नो, आई विल बी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या और किस प्रोजेक्ट पर मैं काम करना शुरू करूंगा। वैसे दो तीन चीजें हैं जिसके बारे में बातें चल रही है, बट एक फाइनल कॉल तभी आएगा जब सारी चीजें वापस फंक्शन करना शुरू करेंगी। Absolutely, and it was really great to know everything. Your journey is so inspiring, so nice, and thank you so much for your time that you have shared everything. But before we end the show, any message for your fans, Harsh? And of course, I will request a part two also. आप जरूर आइए और अपने फैन से बातें करिए आके शो पे ताकि दे कैन हैव डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद यू टू. यस, और मैं यही कहना चाहूंगा एवरीबडी आउट देयर कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड लीव इट टू गॉड। क्योंकि क्या है कि आपका आपका जो भी काम है, आपकी जो भी मेहनत है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली। आप कभी अभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की थी बट इसका कोई फल नहीं मिला, या आई डिडन गेट माई आई वॉज नॉट एबल टू अचीव वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पर मेहनत एक ऐसी चीज है वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देगी, इफ नॉट नाउ मे बी आफ्टर सम इयर्स, बट इट विल श्योरली पे बैक। सो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एंड लीव इट टू गॉड। और एक बात कि मैं हमेशा कहता हूँ ये व्हेन आई एंड माय इंटरव्यूज दैट जितना प्यार मुझे मेरे फैंस आज दे रहे हैं, मैं हमेशा चाहूंगा कि आप मुझे उतना और ज्यादा प्यार दें मुझे, और हमेशा ऐसे ही कनेक्टेड रहे, एंड आई मेक श्योर दैट आई कीप यू गाइज एंटरटेन, एंड यस यू ऑल स्टे सेफ एंड हाथ धोते रहना और अपने अपने घर में रहना, डू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग एट दिस टाइम। Thank you so much, Harsh, and sorry viewers, we could not take your call today because time बहुत कम था हमारे पास, तो आज हम हर्ष की जर्नी शेयर कर पाए, but we'll definitely request Harsh to come again on our show and he can talk to you all. Thank you, Harsh. It was great talking to you. Thank you. Thank you so much, Rashmi, and thank you, Glam and Shine, for calling me on your show and having such a lovely conversation. थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक्स. ये शो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी यूएसए, और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी यूएसए.